हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर परिवर्तनीयता यानी इंटरचेंजेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, और यहां पर लगभग 20+ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक संडे को लाइव टेस्ट लिया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका यूज सब कोई लीजिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतर परिवर्तनीयता यानी इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से निम्न कारण से हानि उठानी पड़ती है। यानी हम उसको इंटरचेंजेबिलिटी को जब अपनाते हैं तो क्या हानि पड़ती, क्या अवयव अधिक संख्या में बनवा कर रखे जाते हैं, या फिर मशीन के आदर्श समय में कमी आती है, या फिर परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जाते हैं, या फिर अवयव बाज़ार में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से हमें परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जा सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए किसी पार्ट को ख़राब हो गया, तो इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से उसको यदि इंटरचेंजेबिलिटी में बनवाया गया है तो उस ख़राब पार्ट को निकाल कर दूसरा नया पार्ट वहीं पर लगाएंगे तो वह आसानी से वर्क करेगा, यानी बदले जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उत्पादन में किसी जाप की मापी गई माप को क्या कहते हैं। यानी उत्पादन हम प्रोडक्ट किए तो किसी प्रोडक्ट को जब हम मापते हैं तो जो माप हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक्चुअल साइज यानी वास्तविक माप कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि BIS सिस्टम में फिट के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। तो BIS सिस्टम यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो 3 प्रकार की फिट होती हैं वह क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट हैं। यानी BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो फिट को डिवाइड किया वह 3 प्रकार से डिवाइड किया है, और उन फिटों में से क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट होती हैं। क्लियरेंस फिट कब होती है, जब हमारे शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से नीचे रहता है, या कहें कि होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर रहता है तो वहाँ पर क्लियरेंस फिट प्राप्त होती है, जबकि इंटरफेरेंस इसी के अपोजिट हो जाता है। यानी हमारे शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर होता है और होल का टॉलरेंस जोन नीचे होता है। यानी कहें कि हमारा होल का साइज जो होता है वह छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, जबकि ट्रांजिशन फिट में प्लस माइनस दोनों यानी इंटरफेरेंस और क्लियरेंस फिट दोनों प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि निम्न में से किसमें श्रिंकेज फिट का प्रयोग किया जाता है। यानी श्रिंकेज फिट किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय, शाफ्ट पर पुल्ली चढ़ाते समय, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय, या फिर बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह श्रिंकेज फिट का उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैलगाड़ी का जो आयरन होता है, आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको यदि हम हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं तो वह क्या होती है, फैलती है। तो उस समय बैलगाड़ी का जो व्हील होता है वह फैल जाता है, और उसमें लकड़ी का जो पहिया होता है उसे फिट कर दिया जाता है और उसे बाद में ठंडा कर लिया जाता है, तो वो जो मेटल होती है वह सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो इसी आधार पर बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते हैं, तो यह श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है। अब यहाँ से आपसे मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि कौन सा किस फिट के उदाहरण है। जैसे हमारे क्लियरेंस में कौन आता है, रनिंग और स्लाइडिंग फिट हमारे क्लियरेंस फिट के उदाहरण है, जबकि हमारे इंटरफियरेंस के उदाहरण कौन कौन से हैं, फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट। ये क्या हैं, ये इंटरफियरेंस के हैं, और जो पुश फिट होता है वह किसके अंतर्गत आता है, वह ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5 नंबर का,
कि एक छिद्र में पिन को फिट किया गया है। पिन की टॉलरेंस जोन छिद्र की टॉलरेंस जोन से पूर्णतया ऊपर है। होल व पिन का फिट निम्न में से क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बेसिक साइज है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा होल का टॉलरेंस जोन है, ठीक है, ये क्या है, होल का टॉलरेंस जोन है। जबकि इसके ऊपर क्या है, पिन का टॉलरेंस जोन, यानी पिन का साफ्ट, पिन जो है साफ्ट का वर्क कर रही है, तो ये हमारे पिन का टॉलरेंस जोन है। तो जब हमारे साफ्ट का टॉलरेंस जोन, जैसे ये साफ्ट हो जाएगी और ये होल हो जाएगा, तो जब हमारे जो है साफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है, यानी जैसे जैसे हम जीरो लाइन से ऊपर बढ़ते हैं, तो यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक होगा और नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। यानी यहाँ पर धनात्मक तो ये भी है, लेकिन इसकी अपेक्षा साफ्ट बड़ी है। तो जब हमारी साफ्ट बड़ी होती है और होल का साइज छोटा होता है, तो वहाँ पर हमारी इंटरफियरेंस फिट होती है, यानी बाधा फिट हो जाएगी। यहाँ पर हमें दिया गया है बाधा फिट, यानी ये इंटरफियरेंस के अंतर्गत आ जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 6 नंबर में, कि जब आधार साइज में यानी बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब हमारे बेसिक साइज में एक ही साइड टॉलरेंस दी जाती है तो उसे हम यूनिलेटरल टॉलरेंस यानी एक पार्श्विक टॉलरेंस कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब बेसिक साइज के एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है तो उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस, और जब दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है तो उसे बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूनिलेटरल के कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई 20 प्लस माइनस दिया गया है, ठीक है, प्लस में क्या दिया गया है 0.02 मिलीमीटर और माइनस में दिया गया 0.00 मिलीमीटर। तो ये हमारे किसका उदाहरण है, यह हमारे यूनिलेटरल का, क्योंकि माइनस में हमें जो दिया गया है यह 0.00 दिया गया है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये क्या है, यह हमारी एक यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आती है। और दूसरा कैसे दिया जाता है, हमें दे दिया जाता है प्लस 0.02 मिलीमीटर और 0.03 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो टॉलरेंस दी गई है दोनों धनात्मक में दी गई है, यानी एक ही तरफ हमें टॉलरेंस दी गई है, तो ये भी हमारे जो है यूनिलेटरल का उदाहरण होती है। और दूसरा तीसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या कैसे दिया जाता है 20 माइनस, यहाँ पर माइनस में दे देता है 0.02 मिलीमीटर और माइनस में ही 0.03 मिलीमीटर। तो ये भी हमारे जो है यूनिलेटरल के अंतर्गत आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मतलब जो दोनों टॉलरेंस दी गई हैं ये माइनस में यानी एक ही तरफ दी गई हैं, और एक होता है किस तरह से 20 प्लस में दे दिया जाएगा या फिर माइनस में दे दिया जाएगा 0.2 मिलीमीटर। ये भी हमारे यूनिलेटरल टॉलरेंस के उदाहरण है। और जो बाइलेटरल टॉलरेंस होता है तो उसे प्लस में भी दिया जाता है और माइनस में भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है 20 प्लस में हमको दे दिया गया 0.05 मिलीमीटर और माइनस में दिया गया 0.02 मिलीमीटर। तो इसमें क्या है कि धनात्मक भी दिया गया है और ऋणात्मक यानी दोनों तरफ दिया गया है। तो ये हमारी बाइलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आती है, यानी द्विपार्श्विक टॉलरेंस के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि उत्पादन लागत अधिक होती है, यानी जो उत्पादन लागत होती है वह कब अधिक होती है? क्या टॉलरेंस अधिक होने से, उत्पादन अधिक संख्या में करने से, टॉलरेंस कम होने से, या फिर उत्पादन कम करने से? तो यहाँ पर जो उत्पादन लागत होती है तो वह टॉलरेंस कम करने से होती है, यानी जब हमारे किसी कंपोनेंट में टॉलरेंस जो है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं दे देता हूँ,
अब देखिए यहाँ पर दो तरह की टॉलरेंस दी गई हैं। एक में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 0.02 प्लस माइनस में दिया गया है, ठीक है। यानी इसकी जो टॉलरेंस होगी यह कितनी हो जाएगी, तो 0.04 हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस में दोनों में दी गई है। और यहाँ पर टॉलरेंस कितना हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 0.01 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉलरेंस दी गई है ये बहुत कम दी गई है, लेकिन यहाँ पर टॉलरेंस ज़्यादा दी गई है। तो जब ज़्यादा दी जाएगी तो हमें कम परिशुद्ध जाप प्राप्त होंगे, तो जब कम परिशुद्ध जाप प्राप्त होंगे तो वहाँ पर लागत में कमी आएगी। और लागत अधिक कब लगेगी, जब हमें अधिक परिशुद्ध जाप बनाना होगा, यानी कम जब टॉलरेंस दी जाती है तो वहाँ पर जो है हमें उत्पादन लागत अधिक होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि किसी होल की टॉलरेंस में किसका अंतर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि होल की टॉलरेंस क्या होती है। ऑप्शन दिया गया है छिद्र की अधिकतम तथा शाफ्ट का न्यूनतम साइज। तो जब हम किसी टॉलरेंस जांच करते हैं तो किसी कंपोनेंट की जांच कर सकते हैं, यानी सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि टॉलरेंस और अलाउंस क्या है। तो टॉलरेंस चाहे होल हो या फिर शाफ्ट हो, यानी एक ही कंपोनेंट के अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज का जो डिफरेंस होता है वह टॉलरेंस कहलाता है, जबकि अलाउंस जो होता है तो वह फिट होने वाले कंपोनेंट में, यानी दो फिट होने वाले कंपोनेंट के बीच का अंतर होता है। जैसे हमारे शाफ्ट और होल के बीच का जो अंतर होता है वह अलाउंस कहा जाता है उसे, और अलाउंस जो होता है वह जानबूझकर दिया जाता है ताकि हम उसमें इच्छित फिट प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसी होल की टॉलरेंस किसके बीच का अंतर होता है, तो सॉरी हाँ किसी होल की टॉलरेंस, तो किसी होल की जो टॉलरेंस होती है वह छिद्र के अधिकतम तथा न्यूनतम साइज के बीच का डिफरेंस होता है, यानी छिद्र का ही अधिकतम साइज और छिद्र का ही न्यूनतम साइज जो है क्या कहलाएगा, वह हमारा छिद्र की टॉलरेंस कहलाएगा। यदि यहाँ पर शाफ्ट की पूछता तो शाफ्ट का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि छिद्र का अधिकतम तथा शाफ्ट का न्यूनतम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर अलाउंस भी जो होते हैं पॉजिटिव अलाउंस और निगेटिव अलाउंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अधिकतम तथा न्यूनतम साइज जो होगा यह क्या हो जाएगा, तो ये अलाउंस को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया कि छिद्र का न्यूनतम तथा शाफ्ट का अधिकतम, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा उसी को यानी अलाउंस को इंडिकेट करेगा। और छिद्र का अधिकतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज तो ये भी अलाउंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब वहाँ पर टू टाइप्स के अलाउंस होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस और निगेटिव अलाउंस, जिसे हम क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस जिसके आधार पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी छिद्र का अधिकतम और छिद्र का ही न्यूनतम साइज जो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वह टॉलरेंस कहलाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के किस ओर टॉलरेंस दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द्विपार्श्विक टॉलरेंस होती है बाइलेटरल टॉलरेंस होती है तो उसमें बेसिक साइज के किस ओर टॉलरेंस दी जाती है, क्या बेसिक साइज के ऊपर की ओर या फिर किसी भी एक ओर या फिर नीचे की ओर या ऊपर तथा नीचे की, यानी नीचे दोनों की ओर। तो जो बायलेटरल टॉलरेंस होती है उसमें ऊपर तथा नीचे यानी प्लस और माइनस दोनों में टॉलरेंस दी जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के दोनों ओर टॉलरेंस दी जाती है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को क्या कहते हैं, यानी जो हमारा कोई कंपोनेंट है तो उसकी साइज को हम यदि माप लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा वास्तविक साइज कहलाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि छिद्र आधारित प्रणाली में, यानी देखिए टू टाइप्स की प्रणालियाँ होती हैं, एक होती है हमारी होल बेसिस और एक होती है शाफ्ट बेसिस। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि होल बेसिस
सिस्टम यानी छिद्र आधारित प्रणाली में क्या होता है कि शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है या फिर छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है। सी में दिया गया कि शाफ्ट और छिद्र पर स्वीकृत टॉलरेंस दी जाती है या फिर केवल छिद्र पर छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यानी छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है। किसमें? छिद्र आधारित प्रणाली में, यानी जो होल बेसिस सिस्टम होता है उसमें होल का साइज जो है फिक्स रखा जाता है और इच्छित जो अलाउंस वगैरह होते हैं वह किसमें दिए जाते हैं? वह शाफ्ट में दिए जाते हैं। और यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि शाफ्ट आधारित प्रणाली में, तो शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है फिर उसमें होल के साइज में डेविएशन वगैरह दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि छिद्र आधारित प्रणाली में यानी होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोला है 12 नंबर का कि BIS लिमिट और फिट को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। यानी जो हमारी लिमिट और फिट की BIS प्रणाली के अनुसार ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं वह 18 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, और उन्हें नंबर चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वो कौन से आर्डर हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अलग अलग, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है, ठीक है। यानी क्या बोला गया है कि IT01, IT0, IT1 से IT16 और IT01, IT0, IT1 से IT16, यानी दोनों क्या है, मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो मतलब है आर्डर होता है वह IT01 से स्टार्ट होता है, फिर IT0, IT1 और इससे IT16 तक होता है, जैसे IT2, IT3, IT ऐसे करके IT16 तक होता है। यानी यह ग्रेड ऑफ टॉलरेंस का आर्डर होता है किसके आधार पर? BIS प्रणाली यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। अब यहाँ पर जो IT01 होता है, इसमें सबसे कम टॉलरेंस दी जाती है और सबसे अधिक टॉलरेंस जो है IT16 में दी जाती है, जबकि IT01 में जो टॉलरेंस कम दी जाती है, ठीक है, लेकिन परिशुद्धता IT01 की अधिक होती है और IT16 की परिशुद्धता कम होती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे टॉलरेंस का ऑर्डर नंबर बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, आर्डर के नंबर के बढ़ने के साथ साथ जो हमारे टॉलरेंस का मान है वह बढ़ता है लेकिन एक्यूरेसी जो है घट जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 13 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस टॉलरेंस विशिष्टियों में अधिकतम बीमा 20 मिलीमीटर से कम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टॉलरेंस विशिष्टियों में अधिकतम बीमा जो है 20 मिलीमीटर से कम होगा। यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारा 20 मिलीमीटर उसका जो मैक्सिमम टॉलरेंस मैक्सिमम डायमेंशन है वो 20 mm से भी कम है, ठीक है। तो कौन सी है? तो यहाँ पर प्लस माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इसकी जो बीमा हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, वह 20.02 मिलीमीटर। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में देख लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस में दिया गया है तो ये भी 20.02 हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया गया है कि इसका जो दोनों ऋणात्मक दिए गए हैं यानी 20.02 दिया गया है एक में और 0.03, तो यानी इसकी जो बीमा होगी यानी इसकी जो मैक्सिमम डायमेंशन होगी वह 19.98 मिलीमीटर होगी और जो मिनिमम होगी तो वह 19.97 मिलीमीटर होगी। यानी इसकी सी ऑप्शन की जो बीमा है वह इसकी अधिकतम बीमा भी 20 मिलीमीटर से कम है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का क्या बोला है कि एक कार्यखंड को 60 मिलीमीटर की न्यूनतम बीमा
और प्लस में दिया गया है 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस के साथ बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही है, यानी किसी कार्यखंड को हमें जिसका न्यूनतम बीमा कितना है 60 मिलीमीटर है और इसको प्लस में 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस के साथ बनाना है, तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सही है, यानी कौन सा जो ग्राफिक दिया गया है सही है। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी न्यूनतम बीमा क्या है, इसकी न्यूनतम बीमा जो है 60.1 हो जाएगी, ठीक है 60.1 हो जाएगी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उसकी न्यूनतम बीमा जो है 60 मिलीमीटर है, यहाँ पर क्या है न्यूनतम बीमा इसको माइनस में दिया गया है 0.02, तो ये 60 से कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है कि इसको 0. प्लस में दिया गया 0.2 और यहाँ पर एक प्लस में दिया गया है, लेकिन इसका प्लस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो अगर यदि फाइंड आउट करें तो यहाँ इसकी मैक्सिमम बीमा जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 60.02 मिलीमीटर और मिनिमम बीमा जो होगी वह 60.00 मिलीमीटर होगी, यानी इसकी जो न्यूनतम बीमा है वह 60 मिलीमीटर है और इसमें 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस धनात्मक में दी गई है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर बोला गया है कि सीमा यानी लिमिट की आईएस पद्धत की परिभाषिक शब्दावली में पद टॉलरेंस की परिभाषा है यह डॉट डॉट के बीच का अंतर है, यानी यहां पर हमने इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है टॉलरेंस की परिभाषा पूछा है, तो जो ऑप्शन दिया गया है उनको देख लेते हैं, अधिकतम सीमा और बेसिक साइज, तो हमारे किसी भी कंपोनेंट की मैक्सिमम सीमा और बेसिक साइज के बीच जो डिफरेंस होता है वह क्या कहलाता है, वह अपर डेविएशन कहलाता है। और यहाँ पर दिया गया न्यूनतम सीमा और आधार साइज, तो न्यूनतम सीमा और आधार साइज के बीच यानी बेसिक साइज के बीच जो डिफरेंस होता है यह लोअर लिमिट कहलाती है, ठीक है यानी लोअर डेविएशन। और जो सी में बोला गया है कि अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारे किसी कंपोनेंट है तो कंपोनेंट की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, यानी टॉलरेंस की परिभाषा होगी कि किसी कंपोनेंट की मैक्सिमम डायमेंशन और मिनिमम डायमेंशन के बीच जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। और डी में क्या बोला गया है कि वास्तविक साइज और आधार साइज, तो हमारे बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम एक्चुअल डेविएशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो बोला गया है यह अपर डेविएशन को बोला है, बी ऑप्शन जो बोला है यह लोअर डेविएशन को बोला है, और सी ऑप्शन जो है टॉलरेंस को बोला है, जबकि डी ऑप्शन जो है एक्चुअल डेविएशन को बोला है। और हमसे पूछा गया है कि टॉलरेंस की परिभाषा कौन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन टॉलरेंस की परिभाषा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि छिद्र आधारित पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि छिद्र आधारित पद्धति के अंतर्गत, यानी यहाँ हमें क्लियरली बोल दिया गया है कि होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा होल बेसिस सिस्टम, ठीक है। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि होल का जो डेविएशन होता है वह कैपिटल एच से व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कैपिटल एच मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, तो यानी ये तीनों होल बेसिस सिस्टम हैं, यानी ए बी और डी होल बेसिस सिस्टम हैं। अब यहाँ पर हमें लास्ट में बोला गया कि कौन सा क्लियरेंस फिट है, तो क्लियरेंस फिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरेंस फिट के लिए जो टर्म होते हैं, यानी ए से जी तक जो डेविएशन होता है हमारा, यानी फंडामेंटल डेविएशन हमारे 25 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ए से जी तक जो होते हैं यह क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पी मिल जाता है, ये हमारे
इंटरफेरेंस के अंतर्गत आ जाएगा और जेड भी हमारे इंटरफेरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हमें डी ऑप्शन में मिल जाता है जी। जी जो होता है हमने अभी क्लियर किया कि ए से जी के बीच जो होता है यह हमारे जो है क्लियरेंस फिट को व्यक्त करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर होल बेसिस क्लियरेंस फिट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या बोला है कि नीचे बने चित्र में बीमा का ग्राफिक चित्र दर्शाया गया है। चित्र में दर्शाई गई विशिष्ट किस साइज को प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है या बीमा दी गई है तो यह किसको प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बेसिक साइज दी गई है, यहाँ पर प्लस में इसको 0.2 मिलीमीटर दिया है और माइनस में कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर दिया है। तो क्या यह नॉमिनल साइज को व्यक्त कर रहा है, न्यूनतम साइज को व्यक्त कर रहा है, अधिकतम साइज को या फिर वास्तविक साइज को। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमसे ये नहीं पूछा गया है कि 0.2 किसको व्यक्त कर रहा है, 0.1 किसको व्यक्त कर रहा है या फिर 40 किसको व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर किसी को नहीं बोला गया है, इसलिए हम समझेंगे कि 40 किसको व्यक्त कर रहा है। तो 40 जो है यह हमारे नॉमिनल साइज को व्यक्त कर रहा है, जबकि 0.2 मिलीमीटर जो है यानी 0.2 जो है यह किसको अधिकतम साइज यानी जो अपर डेविएशन उसमें दिया गया है उसको व्यक्त कर रहा है, और जो 0.1 है यह लोअर डेविएशन को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर से क्लियर होना चाहिए कि ऊपरी विचलन को यानी अपर डेविएशन को 0.2 मिलीमीटर, लोअर डेविएशन को 0.1 मिलीमीटर व्यक्त कर रहा है, और 40 मिलीमीटर जो है यह किसको व्यक्त कर रहा है, यह हमारे बेसिक साइज को व्यक्त कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी टर्म को नहीं इंडिकेट किया गया है कि कौन सा किसको व्यक्त कर रहा है, इसलिए बेसिक साइज को यानी इस 40 को हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहां पर 18 नंबर का, कि एक होल जिसमें 30 प्लस में 0.021 और शाफ्ट या माइनस में भी दिया गया है लेकिन माइनस में 0.00 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और यहां पर शाफ्ट में दिया गया है कि 30 माइनस 0.11 और माइनस में ही 0.143 के बीच अधिकतम क्लियरेंस होता है। तो देखिए क्लियरेंस का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, होल साइज माइनस शाफ्ट साइज। तो ये क्या होता है, यह हमारा क्लियरेंस निकल के आता है। अब क्लियरेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक मैक्सिमम क्लियरेंस और एक मिनिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस बराबर क्या होता है, होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। ठीक है, शाफ्ट का मिनिमम साइज बराबर क्या होता है, हमारा अधिकतम क्लियरेंस। जबकि न्यूनतम क्लियरेंस क्या होता है, होल का मिनिमम, ठीक है, मिनिमम साइज माइनस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइंड आउट होता है न्यूनतम क्लियरेंस यानी मिनिमम क्लियरेंस। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकतम क्लियरेंस है, तो अधिकतम क्लियरेंस जांच करने के लिए हम होल का मैक्सिमम साइज निकाल लेंगे। तो होल का मैक्सिमम साइज कितना आ जाएगा, 30.021 मिलीमीटर आ जाएगा, और शाफ्ट का मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, शाफ्ट का मिनिमम साइज हो जाएगा 8.67। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा,
यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 0.164 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.164 मिलीमीटर ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक 50 मिलीमीटर, थोड़ा सा छोटा कर देते, एक 50 मिलीमीटर के छिद्र की सीमा ई एस बराबर प्लस 0.025 मिलीमीटर और ई आई बराबर प्लस 0.002 मिलीमीटर है, तो अधिकतम और न्यूनतम छिद्र साइज होंगी। अब यहाँ पर ई एस और ई आई क्या है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ई एस जब हमारा कैपिटल में होता है, ठीक है, ई एस जब हमारा कैपिटल में होता है तो यह शाफ्ट सॉरी होल के लिए मैक्सिमम साइज बताता है, यानी शाफ्ट की अधिकतम टॉलरेंस बताता है, और यदि यही ई एस जो है स्मॉल में हो जाए तो यह हमारे शाफ्ट के लिए मैक्सिमम जो है टॉलरेंस बताता है। ठीक है, कैपिटल में है क्योंकि हम कैपिटल में जो व्यक्त करते हैं वह किसमें, वह हम होल के लिए व्यक्त करते हैं और स्मॉल में शाफ्ट के लिए। तो जब कैपिटल में ई एस रहेगा तो शाफ्ट का मैक्सिमम जो है टॉलरेंस बताएगा, और जो ई एस स्मॉल में रहेगा तो वह शाफ्ट के लिए मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पर शायद हम इसको शाफ्ट बोले, तो कैपिटल में रहेगा तो होल के लिए, ठीक है, और स्मॉल में रहेगा तो शाफ्ट के लिए। और जो ई आई होता है, ठीक है, कैपिटल में यदि ई आई है तो यह हमारे होल के लिए मिनिमम टॉलरेंस यानी न्यूनतम टॉलरेंस बताएगा, और जब यही ई आई जो है किसमें रहेगा, स्मॉल में रहेगा, तो ये शाफ्ट के लिए मिनिमम टॉलरेंस बताएगा। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 50 मिलीमीटर के छिद्र की सीमा जो है प्लस में 0. यानी अधिकतम जो टॉलरेंस है इसकी 0.02 मिलीमीटर है, और जो न्यूनतम टॉलरेंस है वह 0.002 मिलीमीटर है, तो अधिकतम और न्यूनतम छिद्र साइज होंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो 50 में जब हम कितने को माइनस प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा तो वह कितना हो जाएगा, 50.025 मिलीमीटर। ठीक है, अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम को यदि हम 50 में प्लस करते हैं 0.002 मिलीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 15.002 मिलीमीटर, यानी इसका जो मैक्सिमम साइज होगा यानी अधिकतम साइज छिद्र साइज जो होगा वह 50.025 हो जाएगा, और जो मिनिमम छिद्र साइज होगा वह 50.002 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, हमें यहाँ पर ऑप्शन बी में मिल जाता है कि अधिकतम जो है तो 50.025 मिलीमीटर और न्यूनतम 50.002 मिलीमीटर, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक छिद्र की बीमा 14. प्लस में ही दोनों डायमेंशन दी गई हैं इतना मिलीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में है, यानी यहाँ पर हमें दो टॉलरेंस दी गई हैं धनात्मक में ही, यानी इसको यदि हम माइनस करते हैं तो 40 प्लस करते हैं तो 40.40, ठीक है, 40.40 से लेकर 40.40 बोला था मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40.028 से लेकर 40.040 के बीच जो होगा यह हमारा एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में है, तो इसके बीच जो साइज होगा वह टॉलरेंस में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह 40 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 40.028 से जो है कम है, इसलिए ये हमारा
इसमें टॉलरेंस में नहीं है। और यहाँ पर दिया गया 40.01 मिलीमीटर, तो ये भी हमारे टॉलरेंस में नहीं है, यानी हमारे जो है 40.028 से भी कम है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, 40.38। तो यहाँ पर जो 40.38 है, तो यह हमारे 40.28 से अधिक है और 40.040 से जो है कम है, तो यह हमारा टॉलरेंस में है। जबकि यहाँ 40.050 जो है 40.040 से अधिक है, इसलिए ये भी हमारा टॉलरेंस में नहीं है, लेकिन सी हमारा टॉलरेंस में है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ड्राइंग में शाफ्ट की दर्शाई गई बीमा 40 प्लस में दिया गया है 0.068 और माइनस में दिया गया है 0.048 मिलीमीटर है, तो निम्नलिखित में से शाफ्ट की कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि टॉलरेंस में नहीं है, तो हमको देखना है कि 39.958 से 40.068 के बीच कौन सा नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया 40.068, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं ताकि दिखाई दे। यहाँ पर क्या है 40.068, तो यहाँ पर 40.068 जो है इसका अपर डेविएशन है, यानी इसमें यह सीमा में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में क्या दिया गया है 40.096, तो यह क्या है 40.068 से अधिक है, ठीक है, 40.96 मिलीमीटर जो है 40.068 से अधिक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शाफ्ट की कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है, तो बी जो है यह टॉलरेंस में नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिसकी न्यूनतम विचलन शून्य होता है को बेसिक छिद्र कहते हैं, यानी जिसका लोअर डेविएशन जो होता है वह क्या होता है, वह शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक छिद्र को प्रकट करता है, यानी कौन सा अक्षर जो है होल बेसिक्स को प्रकट करता है, जो कैपिटल एच होता है यह हमारे होल बेसिस को प्रकट करता है और जो स्मॉल एच होता है यह हमारे शाफ्ट बेसिस को प्रकट करता है। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा अक्षर बेसिक छिद्र को प्रकट करता है, तो हमारे बेसिक छिद्र को कैपिटल एच प्रकट करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं दोस्तों कि अब नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, तो अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वह संडे को होगा और उसी टाइम में 9 PM to 10 PM होगा, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।